चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं, आंखों के दरमियां तू अब है इस तरह, ख्वाबों को भी जगा ना मिले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। साल 2018 वेब की दुनिया में लेकर आएगा एक ऐसी लेडी देवदास को जो फिल्मी देवदास की तरह मरती नहीं बल्कि सबको मारती है, और यह ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज देव डीडी का सीजन 2 जो जल्द आने को तैयार है। और इस शो की देविका यानी आयुष्मा वरदान नए अंदाज में अपनी पारो यानी अखिल को प्रपोज कर रही है, और देखिए इन दोनों की आशिकी। डांस तो कर ही रहे हैं लेकिन आंखों आंखों में भी देख रहे हैं। तो क्या होगा देव डीडी के नए सीजन में, ये जानने के लिए हमने की आयुष्मा और अखिल से खास मुलाकात। ट्रेजेडी की अगर बात करें तो देवदास इज द अल्टीमेट ट्रेजेडी, लेकिन वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है और देवदास भी बदल गए हैं। और मेरे साथ हैं आज के जमाने के देवदास, उनके पारो। I'll just say कि अभी तक इतना प्यार दिया है सबने और सब एक ही बारी में सबने सारे शोज देख लिए हैं, सो दैट्स रियली लवली फॉर मी एंड फॉर आर टीम, राइट। प्लीज आगे भी देखते रहिए, और सिर्फ इन लोगों की वजह से ही सीजन 2 आ रहा है, सो आई एम रियली थैंकफुल। Thank you guys, thank you so much, thank you for watching the show, thank you for making it such a success. Look forward to season 2 because it's going to be mad exciting, it's going to be hilarious, it's going to have a lot of cool shit happening over there, it's going to have a lot of drama, Devika is going to entertain you a lot, I'll try my best to. And he'll be there in season 2, for sure. I'll be there and she's going to be with me, alright, and if she isn't, I'm going to fight for it. I would love to see that. Watch it. Please watch it. No! मेरे साथ है देव डीडी की पूरी टीम, आशिमा और अखिल, जिन्होंने जिनकी वेब सीरीज देव डीडी बहुत धूम मचा रही है। लेकिन देव डीडी जो दरअसल आज के ज़माने का देवदास है, एक इंटरप्रिटेशन है देवदास का, तो आपको लोगों ने बोला अरे वो आ गई देवदास, तो जब पहली बार when this project came to you that you are playing a देवदास, what was the first reaction? So initially I was like okay, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, और मैंने कहा देवदास ओके। सो जब आप सुनते हो तो कट्टू आप शाहरुख खान ही, एग्जैक्टली। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि मैं कैसे करूँगी, बट देन दे टोल्ड मी दैट्स नॉट लाइक देवदास मॉडर्न देवदास है ये, एंड यू आर प्लेइंग देवदास, और कैसा कैरेक्टर रहेगा, सो दैट वॉज लाइक फन फॉर मी। मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, बट अगेन दिस गर्ल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बोल्ड, और इस तरीके का कैरेक्टर करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट ठीक है। हमारी वर्कशॉप वगैरह हुई एक डेढ़ महीने की, काफ़ी देर वर्कशॉप हुई हमारी, और जिसकी वजह से मैं थोड़ी कम्फर्टेबल हो गई, और वो बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट करना सब कुछ वो बहुत ईजी हो गया एक टाइम पर मेरे लिए। Say what's really right. Say it out. I'll tell you the what message you're getting on Instagram. Oh! Hey, okay. Ashima, I love watching you and Dave W. You were so amazing. So good. Apparently, aap log ke videos bhi ban gaye hain, like YouTube pe aapke unhone special clippings bana diye hain. To Ashima Vardhan hot clips. Check on YouTube. So, one of my very close friend, he told me, जब मैं ये शो शूट चल रहा था, I told him, मैं थोड़ा थोड़ा बताती थी कि वेब सीरीज़ है और ऐसी स्टोरी है तो मेकआउट सीन्स काफ़ी हैं ये सब, तो उसने मुझे उस दिन बोला था कि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे जिस दिन YouTube पे हम तेरा नाम डालेंगे और नीचे आएगा आशिमा वरदान हॉट क्लिप्स, 3 मिनट्स की, 4 मिनट्स की, 2 मिनट्स की वीडियो की, और एक्चुअली मैं वो हुआ एग्जैक्टली। सो वो बहुत हिलेरियस था, बट लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत मैसेजेस आते हैं लोगों के, अच्छे भी और 80% अच्छे ही आते हैं, हाँ मतलब इन अ गुड वे, देर अप्रिशिएटिंग माई एक्टिंग एवरीथिंग, सो वो बहुत अच्छा लगा। और 2-3 तो ऐसे आ जाते हैं तो उसको इग्नोर ही कर सकते हैं इस टाइम पे, अब क्या कर सकते हैं। जैसे आपकी एंट्री होती है लड़के को आप बिल्कुल डरा देती हैं, तो इस तरह की लड़कियों ने आके बोला वाह व्हाट काइंड ऑफ वुमन, हम ऐसे बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज भी आपने दिया इस कैरेक्टर के थ्रू, तो किसी लड़की ने आपको कुछ बोला कि हाँ ऐसा ऐसे देविका जैसा एटीट्यूड द स्वैगर होना चाहिए? काफ़ी लड़कियों ने बोला भी, और मैं काफ़ी ऐसी लड़कियों से मिली भी लाइफ में जो एक्चुअली में ऐसी हैं, जो हैं ऐसी
किसी ने कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का क्या बोल रहा है या ये क्या करके, देयर आर समवन जो चार्ज लेती हैं हर चीज़ का. सो आई वाज ग्लैड और वो आराम से रिलेट कर पा रही थी शो से. बात करते हैं खबर की जो है कि इस शो का सीजन 2 आने को तैयार है, तो मेरा सवाल और साथ साथ जो उन लोगों ने सीजन 1 को पसंद किया कि आगे क्या होगा, अच्छा सीजन 2 में क्या होने वाला है पार्थ, आप बताएं अब वापस आएंगे कि ये चली जाएंगी अनुराग के साथ? ऑब्वियसली मेरे पास वापस आएगी, लाइक आई सीरियस, इट्स ओनली पार्थ, कांट बी एनीवन एल्स. पार्थ टेल मी वन थिंग, देवदास पारो के पास वापस गया पर मर गया ना बेचारा, नहीं मिल पाई ना. मरने वालों में से नहीं, मारने वालों में. मैं मारने वालों में से हूँ, मैं मरने वालों में से नहीं. तो मुझे नहीं पता देविका वापस पार्थ के पास जाएगी या अनुराग के साथ रहेगी, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ना, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी. मुझे नहीं पता कि आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, क्या करेगी वो. मुझे अभी भी याद है जब मैं एक डायलॉग या एक सीन पढ़ रही होती हूँ, नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला होता है आप प्रिटेक्ट, ये सॉरी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट सीन में वो क्या करेगी. सो अब मुझे नहीं पता सीजन 2 में क्या होगा, और वैसे भी 2 में ज़्यादा मज़ा है. सो आई हैव नो आइडिया वो क्या कर रहा है, बिकॉज आई बिलोंग टू अ स्मॉल सिटी जे एंड के से मैं आई हूँ, और वहाँ पे मैं इतनी यू नो बोल्ड या कहीं. देविका भी एक छोटे शहर से आई थी, जयपुर से आई थी, बट सी उसकी थिंकिंग, उसका माइंडसेट कितना डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मी, अगर मैं अपने आप के साथ कंपेयर करूँ. सो वो बहुत अच्छा था, पर मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ इस कैरेक्टर से एज अ पर्सन. यस इट इज़ क्या. तो आप बताएं, आप तो बॉम्बे में पहले बड़े हैं, तो छोटे टाउन की एक चीज़ दिखाई है. I'm actually, I was born and raised in Dubai. और फिर मतलब मैं बॉम्बे से हूँ, इन टर्म्स ऑफ फैमिली बॉम्बे से है, बट आई एक्चुअली ऑफिशियली बॉम्बे मूव किया था 2008 में, मतलब कॉलेज ख़त्म करके एवरीथिंग, आई ऑफिशियली मूव्ड ओवर हियर माय सेल्फ एंड डिसाइडेड टू मेक दिस. जैसे कि बॉम्बे में लोग छोटे शहरों से बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे जयपुर की बात हुई, इन शहरों से आके सपने लेकर आते हैं, एंड उनके लिए एक डिसिल्यूजनमेंट होता है ये पूरा सिटी द होल थिंग. तो कहीं ना कहीं शो में वो भी चीज़ कहीं उभर के आई, जैसे वो लड़की आती है जयपुर से, शी डिडंट नो व्हाट टू डू. So what do you feel about, you know, wo factor, jaise Parth tha, I mean, he was like, as you said, ki care damn attitude types. Parth ka character thoda alag hai, kyunki show mein aisa likha gaya hai ki he had gone abroad to study and come back. So jab, by the time apna track shuru ho jata hai, I've already come back. So they were looking at that type of a character where, you know, he's from a small town, but he's exposed. And maybe he's come back, but maybe, I don't know, he's just from there, he's come out from there, but he's got that exposure and wants but to come back home. But still, he's talking about his mom. Yes, he's still there somewhere. But he's got that, he's a mama's boy, he loves where he's from, but he's got that exposure, he wants to be all that, but at the same time, his roots are there. Yeah, exactly. He was confused. Very down to earth. बट वो सब जो से वो इतना मतलब जो कि आपने बताया जे एन के से आई थी, जब वो गालियाँ, वो मेकआउट सीन्स जब पढ़े पहली बार, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी? आई विल टेल यू वन थिंग, आई रिमेंबर माय फर्स्ट डे ऑफ वर्कशॉप विद केन घोष. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, पहला पेज पहला डायलॉग मुझे बस, मैं बहाना ढूंढ रही थी कि मैं ऑफिस से निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे पता था ये कुछ ऐसा है जो मैं कर ही नहीं सकती लाइफ में कभी नहीं. So I still remember first day हुआ वर्कशॉप का, जैसे वैसे करके निकाला टाइम, Ken was like, oh God, गलती हो गई हमसे, किसको ले लिया हमने. But then obviously he told me many things कि कैसे मैं परफॉर्म करूँ इस चीज़ को, और फिर धीरे धीरे बहुत ईजी हुआ मेरे लिए. प्लस मैंने अखिल के साथ भी काफ़ी वर्कशॉप की थी, एंड द बेस्ट पार्ट इज आई नो हिम एज अ पर्सन, आई नो हिम हु इज ही, क्या सोचता है वो, क्या करता है वो. कोई अब अननोन नहीं था मेरे लिए जिसके साथ मुझे मेकअप सीन्स करने थे. हम लोग पहले एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और मैं बहुत कंफर्टेबल थी. बहुत ज़रूरी होता है वो ऐसे सीन्स को परफॉर्म करने के लिए. सो डू यू थिंक कि वेब ने एक एनवलप को पुश कर दिया, एंड दोस थिंग जो कभी टीवी पे पॉसिबल ही नहीं थी दिखानी, वो अब वेब के थ्रू पीपल कैन से कम्प्लीटली, क्योंकि आप टीवी पे ये सब नहीं दिखा सकते और मेरे ख्याल से ऑडियंस एक्सेप्ट भी नहीं करेगी. यूजुअली हम टीवी अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, और हमारे इंडियन में हम सारे जॉइंट फैमिलीज होती हैं, ठीक है, दादा नानी मौसा चाची और साथ में बैठ के हम देखते हैं. हम ये सब नहीं दिखा सकते और वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगी अनफॉर्चुनेटली. बट ठीक है, वेब एक मीडियम है जहाँ आप पिक एंड चूज़ कर सकते हो आपको क्या देखना है. नो वन इज़ फोर्सिंग यू, आपको किसी के साथ बैठने की देख के ज़रूरत नहीं है. सो आप चूज़ कर सकते हो आपका क्या टेस्ट है. एग्जैक्टली. exactly.
आपको क्या लगता है आगे वेब सीरीज का क्या फ्यूचर है? डू यू थिंक इट्स लाइक गोना बी गोना स्टे? व्हाट व्हाट यू थिंक? सो इन जनरल आई फील द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज द वे टू गो राइट नाउ, एंड आई थिंक के यही प्लेटफॉर्म सबसे आगे बढ़ने वाला है अकॉर्डिंग टू मी. I feel ke for people to be able to choose what they want to watch, when they want to watch it, and whatever type of content they want from wherever in the world, you get that all online. So why wouldn't I choose that as an easier way and put all my time and energy there rather than going, you know, and it's, you know. So it's just a lot easier for people. Also, the thing with digital content right now is how I feel that there was a lot of time in the beginning when people thought ke, you know, बजट नहीं है तो डिजिटल पे निकाल देते हैं या यूट्यूब पे निकाल देते हैं ये वो. इट्स नॉट लाइक दैट एनी मोर. यू नो इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द प्रोडक्शन वैल्यू, इट्स कॉन्टेंट. यू नो इट्स गॉट नथिंग टू डू दैट. द वे वी शॉट दिस शो वॉज एग्जैक्टली द सेम वे वी शूट अ फिल्म. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इन दैट टाइप ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू और एनी थिंग लाइक दैट. ओनली डिफरेंस इज द कॉन्टेंट विच यू आर गेटिंग ऑन दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म. बस अब हम इंतज़ार करेंगे सीज़न टू का. लेकिन जाते जाते मैं चाहता हूँ देविका अपने स्टाइल में फैंस को और व्यूअर्स को दोनों आप अपने एज पार्थ एंड एज देविका जैसे बिंदास स्टाइल में कुछ कहिए. कोई आंखों में देखते हैं कितनी जल्दी एक दूसरे की आंखों, तीन मिनट में आपको एक दूसरे की आंखों में देखना है. देखिए एक दूसरे कितना देख पाते हैं. चलिए बिना पलक झपका है. चलिए डैडी तो उम्मीद करते हैं कि देव डीडी सेकंड सीजन में आए और देखते हैं कि देविका किसे चुनेगी, अनुराग को या फिर पार्थ को. भाई लास्ट डॉट देवदास इज ऑल अबाउट. बट ये देविका डरने वाली नहीं है, मरने वालों में से नहीं है, मारने वालों में से है ना. लुकिंग फॉरवर्ड. दिस इज नवत्यागी इन मुंबई फॉर आज तक.